नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर आईपीटी एक्सेल स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज हम एक्सेल के किसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले नहीं हैं, हम टॉपिक करेंगे कैरियर काउंसलिंग के बारे में। मेरे पास आए दिन फोन्स आ रहे हैं। जी हाँ, मैं अपने जो भी हमारे व्यूअर है उनको हमने नंबर दे रखा है, वो आप फुल फ्री होकर कॉल कर सकते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर रिलेटेड टू एक्सेल एंड एमआईएस। तो वो लोग क्वेश्चन काफ़ी कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जैसे फ्रेशर्स हैं या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं, उनको एक्सेल की थोड़ी बहुत नॉलेज है और वो फ़ोन करते हैं कि सर मुझे आगे कैरियर बढ़ाना है, मुझे फलाना कोर्स करना है, इसका डिमांड है मार्केट में। तो मार्केट में एक्सेल का या वीवीए का या पावर बीआई का या टैबलू का या आर का या पैथन का या सैश का डिमांड है, हाउ हम कैसे पता करेंगे? हम एक्सेल के लिए मैं बोलता हूं कि एक्सेल की डिमांड ने एक्सेल की नीड है, क्योंकि आप किसी भी फॉर्मेट में चले जाएं, किसी भी ऑफिस में चले जाएं, किसी भी डिपार्टमेंट के किसी भी टाइप ऑफ जॉब पे चले जाए, थोड़ा या बहुत एक्सेल की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। सो अगर आप ऑफिस में जॉब करना चाहते हैं तो एक्सेल तो चाहिए ही चाहिए। और बोले से एडवांस एक्सेल, देखिए नॉलेज अच्छी रहेगी तो आप अपना काम अच्छे तरीके से कर पाएंगे। काम तो वो लोग भी कर रहे हैं जिनको एक्सेल बिल्कुल पता नहीं है, फिर भी वो थोड़ा बहुत काम चलाओ काम कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए टाइम ज्यादा कंज्यूम करते हैं। इसलिए एक्सेल की नॉलेज तो बेसिक टू एडवांस आपको रखना ही है, चाहे किसी भी टाइप की जॉब करने जा रहे हैं। हमारे पास तो डॉक्टर भी पढ़ने के लिए आते हैं, हमारे पास इंजीनियर भी पढ़ने के लिए आते हैं। अब बोलेंगे सर डॉक्टर इंजीनियर को एक्सेल से क्या लेना देना है, डॉक्टर को तो मेडिसिन के बारे में पता होना चाहिए। तो बेसिकली डॉक्टर जो होते हैं वो अपने हॉस्पिटल की मैनेजमेंट भी तो करते हैं, अपने मेडिसिन की मैनेजमेंट भी तो करते हैं, अपने एनालिसिस रिपोर्ट भी तो बनाते हैं। हम भी डॉक्टर की बात नहीं करते जो क्लिनिक में बैठते हैं, पेशेंट्स को पेशेंट्स की प्रॉब्लम को समझते हैं और दवाई लिख देते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं ऐसे डॉक्टर जो कि एक हॉस्पिटल को कंट्रोल कर रहे हैं, एक हॉस्पिटल चला रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर बीमारी पे पर्टिकुलर मेडिसिन पे रिसर्च कर रहे हैं, तो उनकी डेटा को कहाँ रखेंगे वो? क्योंकि उन्होंने तो मेडिसिन की पढ़ाई की है, उन्होंने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की पढ़ाई तो की नहीं है। अब वो अपने हॉस्पिटल को छोड़ के कंप्यूटर मेडिसिन में तो नहीं जाएंगे, तो इसलिए एक्सेल सीखते हैं हम लोग। तो हर प्रोफाइल में एक्सेल की जरूरत है। तो अगर आप अपनी कैरियर कहीं बनाना चाहते हैं सो नीड टू एक्सेल। लेकिन एक्सेल के साथ और क्या क्या चाहिए इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। एक्सेल के बारे में बात, आपको वीवीए की जरूरत चाहिए। तो वीवीए की जरूरत हर किसी को नहीं है, लेकिन अगर आप लंबे समय तक एक्सेल में ही काम करने वाले हैं तो वीवीए की जरूरत है, या फिर एक्सेल पे बहुत ज्यादा काम है तो आपकी एक्सेल की जरूरत। जी हाँ, एक्सेल वीवी की जरूरत है। तो फिर एक्सेस की क्या जरूरत है? हम यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी इसमें करा रहे हैं। तो एक्सेस एक्सेल की सपोर्ट में होता है, जब डेटा लार्ज हो जाए तो एक्सेस की हेल्प मदद ली जाती है। अब नए नए कोर्स आए हैं पावर बी आई, टैबलू, तो इनका यूज होता है कॉर्पोरेट लाइफ में। जी हाँ, ऐसे कंपनी जो एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है, बहुत अलग अलग जगहों पे उसकी सर्विसेज है, तो वो लोग इन सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, अफोर्ड करते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं। गूगल सीट, हाँ गूगल सीट नया चल रहा है, क्योंकि गूगल सीट छोटे मोटे लोग भी यूज कर सकते हैं, बड़े लोग भी यूज कर सकते हैं, जो एमएस ऑफिस को परचेज ना करे वो भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि इसमें पहले क्या था, गूगल सीट सिर्फ सीट था, लेकिन अब इसमें इन्होंने जावा स्क्रिप्ट की स्क्रिप्टिंग दे दी है ताकि हम इसको अपने हिसाब से डेवलप कर सकें, तो ये गूगल सीट भी फायदेमंद हो गया है। लेकिन ये जो मैं चीजें बोल रहा हूं इसकी नॉलेज कहां से मिलेगी, मतलब मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन किसकी जॉब प्रोफाइल में क्या क्या जरूरत पड़ती है? तो इसके लिए आपकी किसी से कंसल्ट लेने की जरूरत नहीं है, आप उनके पास जाइए जो आपको जॉब देंगे। इनके पास जॉब पोर्टल साइट जैसे Naukri.com, जैसे यहां पे हम Naukri.com को सर्च करते हैं, क्योंकि जॉब Naukri.com की जगह और भी बहुत सारे जॉब पोर्टल साइट्स हैं।
मैं यहाँ नौकरी.com को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, तो ऐसे ही बहुत सारे जॉब साइट्स हैं, उस पर जाके सर्च करें और जो भी आप चाहते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ MIS एग्जीक्यूटिव का जॉब, तो MIS एग्जीक्यूटिव को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे सर्च करता हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले देखिए कि कितने वैकेंसीज है, तो आपको 8102 वैकेंसीज अभी के रेट में है मार्केट में। सबसे पहले ये देखिए, दूसरी चीज, जब जॉब सर्च कर रहे हो तो यहां पे आप देख लीजिएगा कि कंपनी कौन सी है। यहाँ पे टेली परफॉर्मेंस इज हायरिंग द MIS एग्जीक्यूटिव एट गुरुग्राम लोकेशन। अब इस पे मैं राइट क्लिक करके ओपन करता हूँ, 1 से 4 साल, 0 से 3 साल। इस तरह से यहाँ पे आपका एक है पिरामल इंटरप्राइजेज है, ये भी आप MIS एग्जीक्यूटिव को ढूंढना है, मेल ओनली है। उसके अलावा यहाँ पे देखिए शाही एक्सपोर्ट हाउस है, ये भी आपको देखिए, इसे डेटा एंट्री ऑपरेटर भी है, तो MIS एग्जीक्यूटिव ना कर सकते। यहाँ देखिए वॉकिंग एंट्री IDBI फ्यूडर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के लिए चाहिए, वॉकिंग है MIS की रोल। तो ऐसे बहुत सारे जॉब्स हैं, तो ऐसे जॉब्स को आप यहाँ पे ढूंढें और ढूंढ के दो चीज़ देखें। पहली चीज़ देखें कि एक्सपीरियंस कितना मांग रहा है, क्या इस एक्सपीरियंस की कैटेगरी में आप हैं या नहीं है, पहली चीज़। उसके बाद सैलरी देखें कि क्या इतनी सैलरी आपके लिए ठीक है या इससे ज़्यादा सैलरी आपको चाहिए। उसके बाद आप देखिए कि इसमें जॉब डिस्क्रिप्शन क्या क्या है, यहाँ भी एक्सेलेंस इन द एक्सेल स्किल्स कह रहा है। और यहाँ पे मिस्टर निकितिया का नंबर भी है, तो आप इनके डायरेक्ट इनसे कांटेक्ट करके पूछ भी सकते हैं। एंड ऑफ एंड एंड टू एंड रिपोर्ट्स फुलफिल द MIS रिपोर्ट एंड वेरियस चैनल्स। यहाँ पे दिख रहा है ये जो मांग रहा है सिर्फ आपका एक्सेल का ही मांग रहा है कि इसमें एक शुड बी गुड वी लुकअप, पिवट चार्ट, एच लुकअप, ग्राफ्स, काउंट इन सबमिट ETC फॉर्मूला। तो इसमें VVA कोई जिक्र नहीं है। तो ये आपका पैकेज 15 से 25 के बीच में आपको CTC देंगे। फिर वापस दूसरी पे आते हैं, तो ये MIS की भी है, इसमें मेल ग्रेजुएट एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस इन द MIS BPO बैकग्राउंड, तो 2 साल तो कंपल्सरी ये बोल रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे RTA स्किल्स बात कर रहा है, स्ट्रॉन्ग एनालिसिस स्किल्स होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग द रिपोर्टिंग वेरियस डैशबोर्ड्स, यहाँ पे डैशबोर्ड की नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पे इसने क्लियरली बात कर रखा है MS एक्सेल, क्लियरली बात कर रखा है एडवांस एक्सेल की। तो यहाँ पे आपको एडवांस एक्सेल की जरूरत होगी और इसमें इन्होंने कहीं मेंशन नहीं कर रखा है VVA की। उसी तरह से यहाँ पे और भी जॉब प्रोफाइल्स हैं, इसको आप एक बार एनालाइज करें और देखें कि वो क्या क्या मांग रहे हैं, फिर उसकी अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करें। जी हाँ, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे तैयारी करें कि क्या रिक्वायरमेंट है। अभी देखिए, अब देखिए यहाँ पे एक हुआ, जैसे आपकी सैलरी बढ़ रही है, अभी आपने देखा सैलरी जो थी उस मतलब कि जो सैलरी पैकेजेस थे वो ठीक था, एक्सपीरियंस भी कम थे, लेकिन जैसे सैलरी पैकेज बढ़ रही है, जैसे 3 लाख का पैकेज पे जैसे ही आपका आया, आपका एक्सपीरियंस बढ़ गया। और यहाँ पे देखिए SQL MS एक्सेस वगैरह भी इसमें डिमांड हो गया, यहाँ पे MS ऑफिस चाहिए, MS एक्सेस चाहिए, इसमें एक्सेल चाहिए, एडवांस चाहिए। तो जैसे जैसे आपकी पे बढ़ता जाएगा, एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपकी जो है स्किल्स भी बढ़ता जाएगा। सिंपल एक्सेल से आप एक MIS एग्जीक्यूटिव 20 से 25 हज़ार की नौकरी कर पाएंगे, लेकिन उससे ऊपर जैसे ही बढ़ेंगे आपके SQL की, MS एक्सेस की, आपकी बाकी और चीज़ों की डिमांड मांगते जाएगी। तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपना एम सेट करने का आपको सीखना क्या है, चाहे आप मुझसे सीखें या किसी और से सीखें, पहले आप होमवर्क घर पे कर लें, उसके बाद जाके सीखें। क्योंकि मेरे पास या मेरे जैसे जो भी ट्यूटर के पास जाएंगे तो वो बोलेंगे हाँ ठीक है कर लो कर लो कर लो। क्यों? क्योंकि हर कोई अपनी प्रॉफिट देखता है ना। तो मुझसे अगर बोलेगा कि सर एडवांस एक्सेल कर दूँ जॉब लग जाएगी, तो मैं उसको ये नहीं बोलूंगा कि एडवांस एक्सेल करने से आपको 15-20 हज़ार की जॉब लगेगी। इससे ज़्यादा की जॉब करना है तो आपको VVA, Power BI, टैबलेट जैसी चीज़ें भी करनी पड़ेगी।
ठीक है कर लो बाद में देखा जाएगा। खैर ऐसी बिहेवियर आखिर मेरी तो नहीं है लेकिन ऐसी बिहेवियर बाकी इंस्टीट्यूट की भी होती है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आप जो है पहले अपना होमवर्क कर ले कि आपको करना क्या है, उसके बाद ही आप कोई चीज डिसाइड करें और उसी पर्टिकुलर कोर्स को देखें, फिर उस कोर्स से रिलेटेड कुछ वीडियोज को यूट्यूब पर आराम से देखें, उसके बारे में नॉलेज ले लें, डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग सेंटर के कंटेंट को डाउनलोड करें, उसको मैच करें, उसके बाद डिसाइड करें कि क्या करना है। और डेमो क्लासेस भी जरूरी है, आप एक दो क्लास डेमो लेकर देखें उसके बाद ही बाकी करें। हम भी डेमो प्रोवाइड करते हैं, मेरी वेबसाइट iptindia.com में जाके आप डेमो क्लासेस का फॉर्म भर के एक दो क्लास हमारी भी डेमो ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने चैनल पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो, मेरी मदद चाहिए, मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और स्काइप कर सकते हैं।